तो आपने जैसा मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा, मैं यहाँ पर 3 बजे जोधपुर स्टेशन पहुंच गया था और काफी थक गया था क्योंकि मुझे है ना मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी जोधपुर के लिए। तो मैं मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर आया था। हॉस्टल के टेरिस पे खड़ा हूँ। हॉस्टल का टूर मैं आपको आगे कराता हूँ बाद में, और मैं इस सिटी को कल एक्सप्लोर करूंगा। तो अभी चल के थोड़ा सा बस रेस्ट करते, आराम करते हैं, फिर कल पूरा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए एंड तक के, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ जोधपुर में, जिसको एक ब्लू सिटी भी बोलते हैं और इसको सन सिटी भी कहते हैं। और अभी मैं हूँ कोजी गेस्ट हाउस में। मैं उतरा था 3 बजे जोधपुर पे, और फिर उसके बाद मैंने हॉस्टल सर्च किया और मेरे ट्रैवलर फ्रेंड लोग ने रिकमेंडेशन किए कि ये कोजी गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है, इसका ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर आ गया और ये मेरा रूम है। और यहाँ पर जो है एंट्रेंस पे जैसे आप चलोगे तो यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस में हैव अ नाइस डे लिखा हुआ है, बॉनी जर्नी। और ये हॉस्टल है, ये इधर के रूम्स है। और अभी मैं ऊपर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। मुझे तो ये हॉस्टल, ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा लगा। ये ऊपर इनका किचन है, रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी जो है सीज़न टाइम नहीं, ऑफ सीज़न है। ये इनका किचन है और ये ऊपर टेरेस का एरिया है। और यहाँ से जो व्यू है, ये है व्यू। ये सामने जो है ये मेहरानगढ़ फोर्ट है और ये पूरी सिटी यहाँ से दिखती है। और टेरेस के ऊपर एक और जगह है छोटी, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से जो व्यू है वो ऐसा है, ये सामने फोर्ट और ये पूरी सिटी, ये ओल्ड सिटी है जोधपुर। अभी मैं अपने गेस्ट हाउस से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ ये ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करने। और ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं ये भी जानेंगे हम, क्या इसको ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं। और ये है जोधपुर की ओल्ड सिटी यानी ओल्ड गलियां। और अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ चांद बावड़ी पे। ये मेरे पीछे जो है ये चांद बावड़ी है। यहाँ पर आपको 100-200 साल पुरानी हवेलियाँ मिलेगी, और हवेली को यहाँ पर लोगों ने गेस्ट हाउस यानी रूम में कन्वर्ट कर दिया है। और बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि इधर है ये बिहारी जी का मंदिर है, हवेली यानी मंदिर बनाया हुआ पुरानी हवेली को। और यहाँ पर कुछ हवेलियों को गेस्ट हाउस भी बनाया गया है, लेकिन आपको बहुत सारी मंदिर्स मिलेगी पुरानी। ये देखो ये, तो यहाँ पर ये तवर परिवार ऐसे, रावत परिवार ऐसे, सब अलग अलग लेन परिवारों के। ये देखो यहाँ पर ये अभी नया बना हुआ है। और ये देखो ये सामने ये पुरानी हवेली है, सब 200 साल पुरानी है। तो अभी चांद बावड़ी से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो आपको रानीसा की घाटी लगेगी। यहाँ पर दो तालाब है, एक है रानीसा तालाब और एक है पद्मश्री तालाब। तो अभी वहाँ से हम लोग जाएंगे ब्रह्मपुरी की तरफ, वहाँ पर बहुत सारे ब्लू हाउसेस हैं। तो अभी वो चल के एक्सप्लोर करते। रानीसा की घाटी से राइट मार के ब्रह्मपुरी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये ओल्ड हवेली, पूरा पुराना घर, उसमें कुछ नए भी अभी कंस्ट्रक्शन करके न्यू कंस्ट्रक्ट भी हुए, ये सब न्यू कंस्ट्रक्शन है। मैं जा रहा हूँ ब्रह्मपुरी की तरफ जहाँ पर सब ब्लू हाउसेज है। आंटी ये ब्रह्मपुरी के लिए, ये ब्रह्मपुरी स्टार्ट हो गया तो वो ब्लू हाउसेज आगे है। ये ब्रह्मपुरी स्टार्ट हो गया, जो ब्लू हाउसेज है वो आगे है। ड्रिफ्टर आफ्ताब, तो ये ब्रह्मपुरी का एरिया है। यहाँ से ये आपको सारे ये ब्लू हाउसेज मिलेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पेंट करवा लिया है, रीपेंट करवा लिया है। और बाकी कुछ लोग हैं ब्लू हाउसेज, जैसे कि ये आपको ब्लू, यहाँ पर ये मंदिर है, घर है। और ये यहाँ से ये ऐसा सिटी व्यू मिलेगा आपको। ये सामने जो है मेहरानगढ़ फोर्ट है। सो मैं बोल रहा था यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपना कलर चेंज कर लिया है घर का, अदरवाइज़ पूरा ब्लू था ये पूरा, तो इसके लिए इसको ब्लू सिटी कहा जाता था। सभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो एक आंटी ने बुलाया, बोले कि हमारे घर पे आ जाओ फोटो शूटिंग करने के लिए। तो ये देखो ये ऐसा पुराना जो घर है, ये पूरा ब्लू। तो ये अभी मैं आंटी के घर पे आ गया हूँ, आंटी ने बुलाया, बोला कि आ जाओ। उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए मना किया है तो इसके लिए मैं उनका फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब लोग आपको बताएंगे कि किधर जाना है, यहाँ का छोटा बच्चा भी आपको गाइड करेगा कि यानी ऐसा जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो ये जैन मंदिर है पुराना, ये सब ब्लू सिटी यानी आपको पूरे ब्लू हाउसेस, हवेली देखिए आपको, लिटिल कैसल जोधपुर होम स्टे है ये पूरा, उन्होंने हवेली को कन्वर्ट कर दिया है होम स्टे में, खाली नीचे का पार्ट रखा हुआ है एज इट इज। और ये पूरा ब्लू हाउस, तो यहाँ पर ये रिहैब सेंटर है और ये चेवेल पैलेस हवेली है। और ये ब्लू स्ट्रीट कैफे है, ये रानी महल है, इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अभी मैं ब्रह्मपुरी विजिट करके आके अभी ये लेन से आगे पचाडिया हिल की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर दो तीन मंदिर है, वहाँ का भी व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। तो अभी
चलते हैं। सिटी टूर कराने का 1000-1200 रुपया लेते हैं आप। अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो 1000 रुपया देने से अच्छा आप यहाँ पर लोगों से पूछ के विजिट कर सकते हो। ये स्कूल है बच्चे लोग का, ये हवेली है ब्लू कलर की। यहाँ पर यहाँ से ये थोड़ा सा पतला रास्ता है और यहाँ पर थोड़ा सा कचरे दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक है 5 दिन से, तो थोड़ी सी गंदगी हो गई है, बाकी सब ठीक ही है। टुवर्ड्स हिल जा रहे तो ये शिव जी का छोटा मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ से अभी ऊपर चढ़ते हुए जाना है। अभी मैं पचेटिया हिल पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से जो ब्लू सिटी का व्यू है वो ऐसा है। ये जैन मंदिर है, यहाँ की दीवारों पे ये ऐसे आपको पेंटिंग्स मिल जाएगी। पूरा किला लेना था, पूरा किला लेना। भैया आपके ब्लॉग का नाम क्या है? ड्रिफ्टर आफ्ताब। अरे इनको देना, सर्च करके देंगे। तो अभी मैं पचेटिया हिल पे था, यहाँ से आपको ब्लू सिटी का व्यू दिखाया और यहीं पर सनसेट हो गया। ये पचेटिया हिल से इवनिंग का व्यू है पूरी सिटी का, और वो सामने वो उमद पैलेस है, ये उमद पैलेस है, और ये इधर घंटाघर है। और अभी यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ घंटाघर की तरफ। नीचे जाते जाते पंचमुख वाले बालाजी का मंदिर है, वो भी देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर ऊपर ज्वालामुखी मंदिर है इधर, और उसके ऊपर जो है चमुंडा माता मंदिर, वो कल जाएंगे। और अभी यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स घंटाघर की तरफ, तो वहाँ पर जाके अभी कुछ खाएंगे। तो अभी ये इधर ऊपर बालाजी का मंदिर है, पंचमुख वाले बालाजी। तो अभी इधर बालाजी के मंदिर पे है जिसके पंचमुख है। तो अभी हम लोग बालाजी के मंदिर से विजिट करके आगे अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड घंटाघर। तो अभी हम लोग जोधपुर के कपड़ा बाजार में आ गए। ये कपड़ा बाजार है, रास्ते में ये कुंज बिहारी मंदिर है, पुराना है। और ये टुवर्ड्स घंटाघर यहाँ से जा सकते हैं। अभी बज रहे 8 और मैं पहुँच गया हूँ घंटाघर, इसको क्लॉक टावर भी बोलते हैं। और ये रात का व्यू काफी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग है। हाय गाइस, कैसे हो सब? ले भाई जो वीडियो बना रहे इनको जरूर लाइक देना। क्लॉक टावर से थोड़ा आगे आएंगे तो ये रास हवेली है, इसको अभी फिलहाल होटल में कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है तूर जी का झालरा, क्लॉक टावर से थोड़ा सा आगे है, तो अभी मैं वहाँ आया हूँ। ये नाइट में कुछ ऐसा दिखता है। तूर जी के झलरे के पास, स्टेपवेल के पास, यहाँ पर रूफ टॉप कैफे भी है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अल बेग, क्लॉक टावर से थोड़ा दूर, ओल्ड स्टेडियम के पास, थोड़ा मुस्लिम एरिया है। तो ये हमारे राहुल भाई, हाय हेलो, और ये रहते हैं इधर ही जोधपुर में। तो इन्होंने अपना टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए और यहाँ पर मुझे लेके आए खाने के लिए अल बेग। बोले चलो आज हम चल के चिकन खिलाता हूँ आपको। तो हम लोग खाने हैं अभी, यहाँ पर खाना ट्राई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि आपका खाना कैसा टेस्ट करके। मैं और राहुल भाई, ये हमारी चिकन चिल्ली, आए तो जोधपुर जरूर ट्राई करें। अपने मुंबई में जो आती है ना कांडी, वो लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है। तो अभी हम लोग ने ऑर्डर दी थी क्रीम रोस्टेड, ये शावरमा जैसा लग रहा है कुछ। अभी मोहब्बत का शरबत पी रहे हम। तो भाई राहुल भाई बहुत हेल्प किया हमारी, पूरा घुमा के अभी शाम को खिला के छोड़ने भी आ गए सके। तो भाई थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। वापस से अभी इनकी छुट्टी रहेगी तो वापस इनको परेशान करेंगे। और आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।